अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा आले देखिनबा कनेछि वर्तमान रो हेडलाइंस संगीन हेउछि कोरोना रो लेउटाणी 24 घंटा रे राज्य रे 879 कोरोना आक्रांत चिन्हट कटक रे कोविड नियम भांगी महेंद्र कोचिंग सेंटर सील सेपटे आज देश रे सब मुख्यमंत्री को सह प्रधानमंत्री को आलोचना देश में बढ़ुची संक्रमण आज 1,26,315 पॉजिटिव 684 जीवन नहीं महामारी वायरस 1,29,26,000 पार मोट आक्रांत संख्या महाराष्ट्र में स्थित सबुठ संगे पुणे आंध्र मनमानी कोटिया आंध्र पंचायत एवं जिला परिषद निर्वाचन 144 धारा उल्लंघन कर भोट देवाक जाते लोके कोटिया प्रसंग नहीं पुणी सुप्रीमकोर्ट गले राज्य सरकार पोखरी महिला गलित शव उद्धार जाजपुर सदर थाना कपिलेश्वर गांव में पड़ रही मृतदेह हत्या कर दुर्वृत्त फिंगी सन्देह घटनास्थल सदर पुलिस छानबीन ब्रह्मपुर गुरुठी श्रीरंगराजपुर गांव में बोमामाड़ पूर्व शत्रुतारु पी त्रिलोचन पात्र घर उपरक बोमा फिंगिले दुर्वृत्त सदर थाना एतला पुलिस तदंत आरंभ द्वितीय डोज कोरोना टीका नेले प्रधानमंत्री दिल्ली एम्स रे मोदी को दियागला वैक्सीन मार्च 1 रे नेथिले प्रथम डोज एवं पुणी फेरिला ताती तीन दिन धरी जलिब ओडिशा 11 जिला रे 40 डिग्री टपेब तापमात्रा दिन 11 अपराह 3 जाए घर न बाहरबाकू लोकंकू परामर्श आंध्रप्रदेश मनमानी आज कोटिया रे पंचायत निर्वाचन एवं जिला परिषद निर्वाचन करुछि आंध्र कोटिया अंचल 7,000 भोट हातेबाकु योजना करुछि आंध्र पूर्व आंध्रप्रदेश हाइकोर्टर सिंगल बेंच निर्वाचन को स्थगित रखापी निर्देश देता बेले एवं हाइकोर्टर बड़ बेंच पूर्व निर्देश को खंडन करिछन्ते अपरपक्ष पटांगी ब्लक कोटिया पंचायत गंजे पदर तल गंजे पदर कोटिया उपर सिंबी तल सिंबी लोक आंध्रप्रदेश सालुर मंडल नेरिडी वालसा पंचायत बुथ 1,271 जन वोटर मतदान करेंगे से निर्वाचन को दृष्टि रखी कोरापुट जिला प्रशासन पटांगी ब्लॉक कोटियार 22 गाँव में 144 धारा जारी करते आज संध्या जाए बलबत्तर रही 144 धारा जरूरी नथिले लोकंकु घर बाहर को बारण कर सेपटे कोटिया आंध्र निर्वाचन को नहीं ओडिशा आंध्र मुहांमुही सेपटे कोटिया 144 धारा को उल्लंघन होता अभोग आवाचन होगा नहीं जाणीप सर्वदलीय नेतृवृंद सीमावासी को रोकवाक प्रयास करते स्थानीय पुलिस प्रशासन उपस्थित लोक बुझाई अटकई रखा चेष्टा करते जो समय लोके 144 धारा को उल्लंघन कर भोट देवाक जा देखा मिली कोटिया प्रसंगे पुणी सुप्रीमकोर्ट में आवेदन दायर कर राज्य सरकार आंध्र को निर्वाचन करायबारु विरत रखा आवेदन में अनुरोध करवाचन कले आंध्र विरोध में कोर्ट अवमानना मामला लागू करने आवेदन तबे कोटिया रे पंचायत निर्वाचन करने लगी आंध्र हाइकोर्टर निर्देश पर आंध्र सरकार पक्षर् आज कोटिया निर्वाचन करने आशंका रही आसवा कोरोना संपर्कित खबर को राज्य में संगीन होबार लगी कोरोना संक्रमण गत 24 घंटा रे राज्य में 879 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती से क्वारंटीन में 518 थी बेले स्थानीय संस्पर्श से आसी 361 जन आक्रांत होती संक्रमित मिसाई राज्य में जबत मोट चिन्हट संक्रमित संख्या 3,45,526 पहुंची अनुगुल 20 बालेश्वर 22 बरगढ़ में 53 भद्रक 17 बलांगीर 26 बौद्ध 1 कटक 50 देवगढ़ 1 गजपति 1 गंजाम 31 जगत सिंहपुर 2 जाजपुर 15 झारसुगुड़ 23 कलाहांडी 43 कंधमाल 5 केन्द्रापड़ा 9 केउंझर 25 खोर्धार 144 कोरापुट 5 मयूरभंज 29 नवरंगपुर 19 नयागढ़ 6 नुआपड़ा 61 पुरी 45 रायगढ़ 13 संबलपुर 48 सोनपुर 2 सुंदरगढ़ 131 और राज्यपोल 32 जन चिन्हट होती अनेपटे राज्य में 3,38,662 जन सुस्थ होती से 4,888 जन चिकित्सित होती
सेबडे देश में बढ़ुछि संक्रमण देश में गत 24 घंटा रे 1,24,315 पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ते सेपरी 684 जीवन नैछि महामारी भाइरस देश में मोट आक्रांतक संख्या 1,29,26,000 पार होइछि सेपरी वर्तमान सुधा 1,66,892 को वृद्धि पाइछि मोट मृत्यु संख्या तेबे महाराष्ट्र रे स्थिति सबुठु संगीन रहिछि। कटक महिंद्रा कोचिंग सेंटर सील कोविड नियम उल्लंघन अभियोग में कोचिंग सेंटर को सील कला सीएमसी। वर्तमान कटक दिनक दिन संक्रमण बढ़ने लगी कोरोना मुकाबला सीएमसी पक्षर विभिन्न स्थान में चढ़ऊ कर जो मैंने कोविड गाइडलाइन उल्लंघन कर नजर आसान विरोध में कार्यानुषान आज देश में सब् मुख्यमंत्री सह प्रधानमंत्री आलोचना करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आलोचना करार कार्यक्रम रही है। कोविड स्थिति और टीकाकरण नहीं मुख्यमंत्री आलोचना करेंगे। तेज टीकाकरण किभली व्यापक करहब और द्रुतगति में बढ़ुवा कोरोना को किभली रोकहब से नहीं आलोचना होगा। पूर्व 17 तारीख में मोदी मुख्यमंत्री आलोचना करते राज्य में कोविड केयर सेंटर प्रोसेस रखा को निर्देश देले एससीएस प्रदीप्त महापात्र। समस्त जिलापाल सीडीएमओ म्युनिसिपल कमिशनर को चिट्ठी कम लक्षण थिबा लोकों को होम आइसोलेशन पर परामर्श होम आइसोलेशन सुविधा नथिले क्वारंटाइन सेंटर में रखा जिबो कोविड केयर सेंटर में आनुषंगिक व्यवस्था करने को निर्देश दिया जाइछ। ग्रीष्म आरंभ पानी जल समस्या बलांगीर कंटाबांची में उत्कट होबारे लागी जल समस्या जल कष्ट जनित समस्या रा समाधान पाई बोंगमुंडा ब्लॉक सदर 7 और 8 नंबर वार्डर लोके बीडीओ को ठारे द्वारस्थ होते बोंगमुंडार यह दुई वार्ड में 2000 रु अधिक लोके बसवास करुवा बेले पानी जल कौन व्यवस्था कर अभियोग कर दुई वार्ड को जल जोगाण स्थायी व्यवस्था कर दावी करने वर्तमान अभाव को दूरवाई टैंकर माध्यम रे जल जोगाण पाई निवेदन करथिले। जाजपुर जिला सदर थाना कपिलेश्वर गाँव एक सुखिला पोखरी महिला गलित शव उद्धार हो महिला गलित शव पड़ता स्थानीय लोके देखा पाई शवटी संपूर्ण भाव नष्ट खबर पाई पुलिस पहुंची शवटी को उद्धार करछि। वर्तमान सुधा गलित शवटी कहार बोली जमापड़ ना बेले 2 रु 3 मास हेब कई हत्या कर मृतदेह फिंगी सन्देह कर सदर पुलिस घटनास्थल में छानबीन चल ब्रह्मपुर सदर थाना गुरुठी श्री रंगाराजपुर गांव में बोमामाड़ पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर विलंबित रात बोमामाड़ होती उक्त गांव जन दुर्बृत्त से गांव पी त्रिलोचन पात्र को धमक चमक देता तेरे राति 12 बेले पी त्रिलोचन और पत्नी घरे बेले दुर्बृत्त जनक घर उपरक बोमा पक घटनास्थल फेरार होते घर बाहर को आसी देखला बेलू सीढ़ी घरदाण में बोमार टुकड़ा पड़ता एने अभियोग देवापर घटनास्थल में सदर पुलिस पहुंची तदंत आरंभ कर भुवनेश्वर सीआरपी ओवरब्रिज उपरे दुर्घटना आयरन बोझे ट्रक को धक्का देला ट्रक तीनोटी ट्रक परस्पर सह धक्का होती आग ट्रक हठात ब्रेक मारिबारु पछक पछ आउ दुईटी ट्रक धक्का होता जो जे गुरुतर होता बेले दुईज आहत होती दुर्घटना पर आग ट्रक ड्राइवर फेरार हो जाइछि पुलिस पहुंची घटनार तदंत चल द्वितीय डोज कोरोना टीका नेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली एम्स रे प्रधानमंत्री को नेइछंती वैक्सीन टीका तेबे गत मार्च 1 रे प्रथम डोज कोरोना टीका नेइथिले मोदी प्रधानमंत्री को दिल्ली एम्स परिसर रे पुडुचेरी रो नर्स पी निवेदा ओ पंजाब रो नर्स निशा शर्मा कोविड टीका देथिले। कोरोना
ବ୍ଲାକ ହର୍ ବନ୍ଦ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ନବମ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଫେରୁଛି ରାଜ୍ୟ। ଏପ୍ରିଲ ତିରିଶ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିବା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ। ସେହିପରି ହଷ୍ଟେଲ ଖାଲି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ସରକାରୀ ଓ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସେପରି ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ୍ ପଚିଶ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ, ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏଣେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସଚିବ। ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁରରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ବାଇଶ ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦଳା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ। ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଉଦଳା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ବାହାରି ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶହୀଦ ଯବାନ ଅମର ରହେ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ନାରାବାଜିରେ କମ୍ପିଥିଲା ଉଦଳା ବଜାର। ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଏପରି ଆଚରଣକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ପୁଲୱାମା ଘଟଣାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ମଞ୍ଚ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ଏକାଠି ହୋଇ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ କହି ଫସିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। କମ୍ୟୁନାଲ ଅପିଲ୍ ପାଇଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମମତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖରେ ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲାର ତାରକେଶ୍ୱରଠାରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମମତା କହିଥିଲେ, ମୁସଲମାନମାନେ ନିଜର ଭୋଟର ବିଭାଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଜେପି ନେତା ମୁକ୍ତାର ଅଦାସ ନକ୍ଭି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭର୍ଚୁଆଲ ପାଠଶାଳା ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାପରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜୀବନ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। 2018 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଭର୍ଚୁଆଲ ପାଠଶାଳା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ରିଲାକ୍ସ ମନ୍ତ୍ର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସିଧା ଉତ୍ତର। ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଚାପ ଦୂର କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଲେ ବିନା ଭୟ ବିନା ମାନସିକ ଚାପରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତିଥରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଚଳିତ ଥରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନୁହେଁ, ଡିଜିଟାଲରେ ହୋଇଥିଲା ଆୟୋଜନ। ମୋବାଇଲ, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଟ୍ୟାବ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ, କଟ୍ ଅଫ୍, କମ୍ପିଟିସନ୍, ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର। ଅଗର ଆପକୋ ପହଲେ ସେ ହି ପତା ହୈ କି ମେରେ ପାସ ଖାଲି ସମୟ ହୈ ତୋ ଆପ ଅପନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ୟା ଅପନେ ବହନ ଭାଇ ସେ କହ ସକତେ ହୈ କି ମୈଁ ଆପକି ହେଲ୍ପ କରୁଙ୍ଗା। आपको क्या काम करना है, आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या हेल्प कर सकता हूं। दूसरा, आप सोचें कैसी कौन सी चीजें हैं जो आपको खुशी देती है। थोड़ा भारी भरकम शब्द है, स्वांतः सुखाय, जिसमें से आपको सुख मिलता है, आपको आनंद मिलता है, आपके मन को बहलाती है, आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। अब आपने मुझे पूछा है तो मैं भी सोचता हूं कि मैं क्या करना पसंद करता हूं। मैंने अपनी दिनचर्या में ऑब्जर्व किया है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी खाली समय मिल जाए और अगर झूला है तो मेरा मन करता है कुछ पल में झूले पर जरूर बैठूं। बहुत थकान है और 5 मिनट का भी समय मिल गया या फिर मैं कोई काम भी कर रहा हूं
तो अपने खाली समय में झूले पर बैठकर पता नहीं क्या कारण है लेकिन मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। परीक्षा पे चर्चा रे देशर सबु प्रांतरु पिलांक प्रश्न को गोटी गोटी करी सुनिथिले प्रधानमंत्री मोदी एवं रखिथिले उत्तर। परीक्षा को नहीं पिलांक मध्यरे रहुतबा भय को मोदी कहिसंती जीवन बहुत लंबा परीक्षा केवल पाहाच एहा को आदो डरंतु नहीं निज को पसंद आसुतबा काम कर खाली समय को उपयोग कर बारंबार अभ्यास द्वारा निज को प्रस्तुत करंतु एथसहित अभिभावक मानक प्रधानमंत्री परीक्षा को नहीं पिलांक न डरबापाई निवेदन करिसंती। खाली समय में हमें अपनी क्यूरियोसिटी जिज्ञासा बढ़ाने की और ऐसी कौन सी चीजें हम कर सकते हैं जो शायद बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगी। आपकी माँ या पिता अगर खाना बना रहे हैं उसे ऑब्जर्व कीजिए, नई नई चीजों में अंदर जाने का, कुछ नया जानने का। इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा दिखाई नहीं देता है पर जीवन में इसका बहुत बड़ा गहरा प्रभाव होता है। फ्री टाइम का एक और बेस्ट यूज हो सकता है कि आप कुछ गतिविधियों से अपने आप को जोड़ें जिसमें आप को एक्सप्रेस कर पाए, आपकी यूनिकनेस को बाहर ले आ सके। प्रधानमंत्री का सह परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम रे जोड़ी हुई थी 14 लाख रु अधिक जन एकाशी देशर 10 लाख रु अधिक छात्र छात्री 2.5 लाख रु अधिक शिक्षक एवं 1 लाख रु अधिक अभिभावक शामिल होते। कि जीवन जीने का जो तरीका आपने चुना है, आप चाहते हैं वैसे ही जिंदगी आपके बच्चे भी जिए और थोड़ा सा भी उनमें बदलाव आता है तो आपको लगता है कि पतन हो रहा है, वैल्यूज का हास हो रहा है। मुझे बराबर याद है एक बार मैं स्टार्टअप से जुड़े हुए नौजवानों से मैंने एक समारोह किया तो बंगाल की एक बेटी जिसने स्टार्टअप शुरू किया है अपनी पूरी कैरियर छोड़ करके तो उसने अपना अनुभव बताया, वो मुझे हमेशा याद रहता है। उस बेटी ने कहा कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, कैरियर छोड़ दी और स्टार्टअप शुरू किया और मेरी माँ को जब पता चला तो मेरी माँ ने तुरंत कहा सर्वनाश। यानी इतना माँ को झटका लगा लेकिन बाद में वो बेटी स्टार्टअप में बहुत सफल रही थी। आपको सोचना चाहिए कि आप अपने भाव विश्व में अपने बच्चों को जकड़ने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं और इसलिए आपका परिवार, आपकी परंपराएं, उसमें मूलभूत मूल्यों को कैसे जोर दें हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे हमारे यहां कहा जाता है जन सेवा ही प्रभु सेवा है। 2018 मसीह रे प्रधानमंत्री मोदी छात्र छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजन करथिले। चलित वर्ष यह थिला कार्यक्रम रो चतुर्थ संस्करण। एही कार्यक्रम माध्यम रे विद्यार्थी अभिभावक एवं शिक्षक मानक सह प्रधानमंत्री परीक्षा उपरे मन खोले आलोचना करबा सह निजर मतामत रखिसथि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। पिपली उपनिर्वाचन पई प्रचार सरगरम हेले लोकंक मूड किछ अलगा। देलांगो रेंज पंचायतवासीक धमक एथर पाणी नमिलिले भोट देबु नाही। 20 वर्षर कष्ट बखाणिछथि रेंज हरिजन साईर बासिंदा। देखिबा ରହୁଥିବା ଏହି ହରିଜନ ସାହିରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହେ। ପ୍ରତିଥର ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି, ସାହିକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ମିଳିବ, ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖୋଳାଯିବ ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଥର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହୁଡ଼ିଛନ୍ତି ନେତା। ଆଜି ବି ନାଳ ପୋଖରୀ ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଭରସା। ସାହିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅତି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ନଳକୂପ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଚରମ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ନହେଲେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ।
टोटाल बंद करदे लाइन दिया होनी पा से आसुनी आम बहुत हैरान हो पा भी जहाँ जीत कलू बाहर आम से लोक मत पीक रोचे तो भारी हईरा खाया भी ना पानी भी पीवा कौन कहू कौ सब मैंने हाँ हाँ कह कौ मैंने कई आईले मैंने खाली कहले भोट दिया आम भोट दबूटा मैंने देवेनि किसी कहीं भोट दबू केोट दबुन आम टोटाल फोनी परठारु साहिरे स्थिति आहुरी बिगड़ी एबे भी पॉलीथिन तले अनेक परिवार 15 वर्ष हलाणी रास्ता जेमिति थिला एबे भी ठीक से बिति केवल विकास रो थोप देखाई भोट नहीं चली शासक दल एबे सुधा ना रास्ता घाट हला ना मिलिला पीबा पानी सुविधा मौलिक सुविधा रु वंचित रेंज हरिजन साहि लोके मतदान रे सामिल न हेबाकु सफा सफा सुनाई देछंती सेबडे भोट बर्जन न करबाकु अनुरोध करिसंती जिलापाल जो कलबल के हम चलुछु भगवान से जानती देखो आखे पर देखु न कुकुर से सेबो हम सेठ पान खाउछु देखि दि आखे पर तबर हम कहबो केते हम समस्या भीतर हम मरुभूमि रे परि छठ छ होछु हम मनीष होइ कि बणजंतु ठू हम निहाति हे गलु नाही पैसा नाही कपड़ा नाही पानी केमिति बंचौ गोटे पानी के नबो एटिके दियोलो टिके दियोलो सेते जीव रखि हम रहिछु लोकंकर अलग अलग ग्रीवांसेस भी रहुछि और से सब ग्रीवांसेस को सॉर्ट आउट करने जिला प्रशासन बा राज्य सरकार बा भारत सरकार सब बड़े तत्पर रहुछि किंतु माने बेले बेले किछि ना किछि प्रॉब्लम रही जाउछि बट मु एही जिनसे कहबा चाहूँ कि जेहेतु हमें गोटे डेमोक्रेसी रे रहुछु समस्त को वोटिंग करवा कथा यदि हमें समस्त वोट करूँ ताले हमें भलो नेता बांची करके असेंबली पठाई पारिबो से माने भलो काम हमारा कर अस्वास्थ्यकर परिवेश ता संग को जल कष्ट रास्ता घाट कथा भी न कहिले भलो सेति पई पिपिल रे एथरो परिवर्तन अपेक्षा रे रेंज पंचायत बासी पिपिल रु सतरूप सामंतराय को रिपोर्ट अर्गस न्यूज समय सरीची बुलेटिन को रखुछु नमस्कार।